सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो ईयर फाइबर के प्लान्स के बारे में। सो दोस्तों, जियो ईयर फाइबर का जो भी अभी तक प्लान आया हुआ है वो 6 मंथ और 12 मंथ में आए हुए हैं। सो दोस्तों, जियो का अभी एक नया रिसेंट में प्लान आया है जो कि 3 मंथ के रिचार्ज के साथ आप ये कनेक्शन ले सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जियो ईयर फाइबर के 3 मंथ वाले प्लान्स के बारे में। सो अगर आप इस प्लान को लेना चाहेंगे तो आपको फर्स्ट में कितना रुपया कंपनी को पे करना पड़ेगा, साथ ही इसमें जो आपका इंस्टॉलेशन चार्ज है वो क्या होने वाला है, एंड इसके जो मंथली रिचार्ज है दोस्तों वो क्या होने वाला है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इस 3 मंथ वाले जियो ईयर फाइबर के प्लान्स के बारे में। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जियो ईयर फाइबर का जो 3 मंथ वाला प्लान है इसमें आपका 3 तरह के प्लान देखने को मिल जाएंगे, जिसमें फर्स्ट है 599, 899 एंड 1199। ये तीनों प्लान में आपका दोस्तों 18% GST ऐड होने वाला है, जो कि जियो फाइबर के सभी प्लान में है, चाहे वो ईयर फाइबर हो या फिर जियो फाइबर हो, इसमें 18% GST आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट हम 599 वाले प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो 599 वाला प्लान है दोस्तों, इसमें आपका 3 मंथ का आपका ये प्लान होता है 2121 रुपये, यानी कि 3 महीने के साथ इसका अगर कनेक्शन लेते हैं तो इसमें आपको 2121 रुपया कंपनी को पे करना पड़ेगा। साथ ही इसमें आपका 1000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज है दोस्तों, यानी कि टोटल आपका 3121 रुपया 599 वाले प्लान के लिए पे करना पड़ेगा, जिसमें आपका 30 Mbps स्पीड मिलेगा, साथ ही इसमें आपका 14 OTT सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। सो दोस्तों, जियो का ईयर फाइबर का अभी तक कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जो कि सिर्फ इंटरनेट का आया है, इसमें जो भी प्लान है वो सेटअप बॉक्स के साथ ही है। तो 3 मंथ वाले प्लान में भी आपको सेटअप बॉक्स के साथ ही ये कनेक्शन दिया जाएगा, इसमें आपका 3121 रुपया 3 मंथ के लिए आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद जब आप रिचार्ज कीजिएगा तो इसमें आपका 599 का रिचार्ज करना पड़ेगा, विथ GST आपको 706 रुपया पर मंथ इसका पे करना पड़ेगा 599 वाले का। सो सेकेंड, अब हम लोग बात कर लेते हैं 899 वाले प्लान के बारे में। सो ये जो 899 का प्लान है दोस्तों, इसमें आपको 100 Mbps स्पीड दिया जाएगा, साथ ही इसमें 899 वाले प्लान में 18% GST इंक्लूड करने के बाद इसका जो हमारा प्लान है वो पड़ने वाला है 1061 रुपया। साथ ही अगर 3 मंथ का इसका कनेक्शन लेते हैं दोस्तों तो ये पड़ने वाला है 3183 रुपया, एंड इसमें 1000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज पे करने के बाद ये आपका टोटल पड़ने वाला है 4183 रुपया। साथ ही इसमें आपका 14 OTT सब्सक्रिप्शन इसमें भी मिलने वाला है, 100 Mbps इसमें स्पीड है। सो 899 वाले प्लान के लिए आपको 4183 रुपया टोटल पे करने होंगे। सो थर्ड जो इसका प्लान है दोस्तों वो है 1199 का, इसमें आपका 18% GST ऐड करने के बाद ये आपका महीने का पड़ने वाला है 1414 रुपये। तो अगर आप 1199 का प्लान 3 मंथ का लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा 4244 रुपया प्लस 1000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज, यानी कि टोटल आपका 5244 रुपया पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको 100 Mbps स्पीड दिया जाएगा। साथ ही इसमें आपको 2 एक्स्ट्रा OTT सब्सक्रिप्शन दिए जाएंगे, जिसमें आपका नेटफ्लिक्स और प्राइम का बेसिक सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। इससे पहले जो आपका 599 या फिर 899 का जो प्लान था उसमें आपको 14 OTT सब्सक्रिप्शन दिए जा रहे थे, बट इसमें आपको 16 दिए जाएंगे, नेटफ्लिक्स और प्राइम का 2 अलग से आपको सब्सक्रिप्शन इसमें दिया जाएगा जो कि बेसिक रहेगा दोस्तों। सो 1199 के प्लान वाले में अगर आप इसका कनेक्शन लेते हैं तो इसका मंथली जो है वो आपका पड़ने वाला है 1414 रुपये, एंड टोटल जो इसका पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है 5244 रुपये। सो यही इसका नया प्लान है दोस्तों जियो ईयर फाइबर का। इससे पहले जो भी इसके प्लान थे वो 6 मंथ और 12 मंथ के साथ में थे, जो कि 6 मंथ वाले प्लान में 1000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज लग रहा था, एंड जो 12 मंथ के जो प्लान थे उसमें आपका कोई भी इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लग रहा था। तो 3 मंथ वाले प्लान में भी आपको 1000 रुपया यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज पे करना पड़ रहा है। सो रिसेंट में जियो ईयर फाइबर का यही प्लान आया हुआ है दोस्तों, इसमें आपका 3 मंथ का प्लान भी जियो ईयर फाइबर में ऐड हो चुका है। सो अगर आप जियो ईयर फाइबर का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो 3 मंथ वाला कनेक्शन आप ले सकते हैं। सो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के रिलेटेड वीडियो आपको आगे मिलते रहे। सो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।